हमारा चर्चा वहां कोरोना नहीं है, जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है, जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया, जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं, और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है, आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों तोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा, और आप 12-14 तो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए, तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा, सबको अक्रमिक एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं, ये सही नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता। मेरा पांचवा पॉइंट है, आक्रमिक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाए, मजबूरी में हो जाए। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हो। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें, लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं, जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण, इंसानियत और मानवता पर आक्रमण। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी डॉक्टर मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं, और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा दे। हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना। क्योंकि मौत सत्य है, इसलिए डर असत्य है। डर कई बीमारियों का कारण है, और हम डरने नहीं आए हैं,
हम लड़ने आए, हम हिंदुस्तान और बिहार के लोगों को कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत। जैसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम में अंतर होता है ना, जैसे सुंदरता और स्मार्टनेस में अंतर होता है, सुंदर होना जरूरी नहीं है मासूम होना जरूरी, सुंदर होना जरूरी नहीं है स्मार्ट होना जरूरी। उसी तरह देशभक्त होना, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी और किंग जॉन होना जरूरी नहीं है, नरेंद्र मोदी होना जरूरी नहीं है, देश प्रेम होना जरूरी, दूसरे के लिए जीना देश प्रेम और खुद के लिए जीना देशभक्त। हमें देशभक्त का पाठ ना पढ़ाए नेपोलियन और हिटलर की तरह, हमको ना कोई पढ़ा कोरोना। इसीलिए जो कोरोना है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत, जीने की जरूरत है। हम आग्रह करेंगे हर परिस्थिति में, ये नेता और ये सिस्टम आइडियल बने, लूटने का रास्ता ना ढूंढे और अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बिहार की 14 करोड़ और भारत के 130 करोड़ जनता को डराए। हम इसके खिलाफ हैं।